भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी के प्रचार की कमान अब उनकी बेटी जूही जोशी ने संभाल ली है। जूही को पूरा भरोसा है कि दीपक जोशी चुनाव में विजयी होंगे। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। दोनों ही प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी की बेटी जूही जोशी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। उन्होंने खातेगांव नगर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम चुनाव प्रचार में गांव गांव में घूम रहे हैं, वहां हमें मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। खातेगांव विधानसभा सीट पर इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार के आमने सामने आने से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। अभी तक मैं ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर रही थी लगभग 3 दिन से। वहां तो ऐसा लग रहा था एक तरफा ही माहौल चल रहा है, सबका प्रेम मिल रहा है। खातेगांव का मुझे थोड़ा लगा था कि शायद यहाँ पे माहौल 50-50 का है, पर आज जनसंपर्क करके और सब प्रत्याशी और सब मेरे साथ जा रही हैं, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी को भाजपा सरकार चाहिए। इतने प्रेम से और सब इतने प्यार से मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 100% बहुमत से हम विजय होंगे। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।